Hello children, welcome to my channel Priyagulati Maths. I hope you will like my video. If you like my video, please like, share, and subscribe my channel. Let us come to the question. Question number two, exercise one point three of your real number chapter. The question says: Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers. Now look at the first part. This is twenty six and ninety one. So what I have to do in this question? Come to the solution. फर्स्ट पार्ट इज ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन इन दोनों नंबर्स का हमको एलसीएम और एल दोनों निकालना है सो वट स्टेप वी हैव टू फॉलो अंडरस्टैंड इट ट्वेंटी सिक्स के विल राइट डाउन द फैक्टर्स इट कैन बिटन एइज थर्टीन इंटू टू तो आपको थर्टीन इंटू टू मिलने के बाद आपको इसकी पावर लगा देनी है वन बिकॉज इफ आई राइट थर्टीन आई कैन ऑल्सो राइट इट एज थर्टीन पावर वन इफ आई राइट टू आई कैन ऑल्सो राइट इट एज टू पावर वन सिमिलरली फाइंड द फैक्टर्स ऑफ नाइनटी वन विच कम्स आउट टू बी थर्टीन एंड सेवन सो आई राइट इट एज थर्टीन पावर वन इन सेवन पावर वन ना लुक एट द मैथड ऑफ फाइंडिंग द एच सी एफ सो हाउ आई राइट वेन आई फाइंड द एच सी एफ आउ टी सिक्स नाइनटी वन राइट डाउन एच सफ ब्रैकेट में राइट डाउन द टू नंबर हुए एच सी एफ यू हैव टू फाइंड सो आई राइट डाउन हेयर ट्वेंटी सिक्स कॉम नाइनटी वन ना एच सी एफ में आपको क्या करना होता है जितने भी आप फैक्टर्स देख रहे हैं इनकी बेसिस पे फोकस कीजिए इसका बेस क्या है थर्टीन इसका बेस है टू थर्टीन सेवन आपने बेसिस में क्या देखना है जो भी इन दोनों ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी वन में जो इनके फैक्टर्स है जो कॉमन वाले फैक्टर्स है उनको आप बाहर निकालिए कौन सा कॉमन फैक्टर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन इज थर्टीन थर्टीन को हमने बाहर निकाला ठीक है अब आप देखना है कि जो थर्टीन की जो पावर है उसमें से जो छोटी वाली पावर है स्मॉलर पावर कौन सी है ये भी वन है ये भी वन है अब तो इसमें तुम चाहे स्मॉलर देखो चाहे ग्रेटर देखो पावर तो एक ही है दोनों में तो आई राइट इट द स्मॉलर एक्चुअली मैं आपको पे स्मॉलर वाला लिखना होता है बाय चांस इस क्वेश्चन में दोनों पावर सेम है वन वन सो आवर आंसर विल भी थर्टीन टू द पावर वन विच गिवस यू थर्टीन तो इसको हम फार्मूला वाइज कैसे लिखते हैं आप ये फॉर्मुला लर्न कर लीजिएगा एच सी टू नंबर इज गिवन बाय फॉर एग्जाम्पल दिस ट्वेंटी सिक्स कॉमन नाइनटीन हम कर रहे हैं ये फॉर्मूला आपका हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स तो आप देखिए इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर था इन दोनों नंबर में वो The 13. हमने इनका क्योंकि इसमें तो एक ही सिंगल था तो प्रोडक्ट का आपको वो काम करना ही नहीं पड़ा तो थर्टीन आपने बाहर निकाला और उसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है दोनों में थर्टीन पावर वन में और थर्टीन पावर वन में तो एक ही थी तो हमने इस पर वन लगा करके आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया थर्टीन राइट अब अब हम आते हैं एल्सियम में एल्सियम को हम कैसे लिखते हैं ये जो दो नंबर है जिनका हम एल्सियम फाइंड कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ट्वेंटी सिक्स कॉमन नाइन्टी वन अब इसमें पहले स्टेप पे आ जाइए इसमें हमने क्या करना होता है आपने जो जितने भी बेसिस देख रहे हैं दोनों में चाहे वो कॉमन हो चाहे वो अनकॉमन हो उनको हमने एक एक बार लिख देना है इसमें एल्सियम के आगे तो आप देखिए थर्टीन जो है वो कॉमन है तो थर्टीन को मैंने एक बार लिखा फिर ये टू जो है वो अनकॉमन है उसको मैंने एक बार लिखा अब सेवन भी जो है अनकॉमन है दिस ऑल्सो आई राइट वंस ठीक है ये तो हो गए बेसिस अब पावर्स में आपने क्या करना होता है इनमें आपको वो वाला पावर लगाना होता है जो ग्रेटर वाला पावर होता है तो लुक एट द थर्टीन इसमें जो थर्टीन है यहाँ पे वे जो बेसिस जो है दोनों में थर्टीन के बेसिस वन है तो आपने जो ग्रेटर वाला लगाना चाहे वो स्मॉलर देखो, देखो तो ग्रेटर देखो तो बाय चांस इस क्वेश्चन में वो वन ही बन के आता है तो आई रेड द पावर एज वन सिमिलरली आप अनकॉमन बेस सेवन लेते हो तो ग्रेटर वाला जो है वो अगर यहाँ पे भी वन ही है तो टू का भी अगर ग्रेटर वाला पावर देखते हो टू यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है तो बट जो भी आपको इस वाले ट्वेंटी uh, सिक्स वाले फैक्टर में दिख रहा है वही आपको डिग लेना है तो आई विल राइट डाउन वन है राइट डाउन सो आप ना यू गेट थर्टीन इंटू सेवन इंटू टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए योर आंसर इज वन एटी टू आप इसको फार्मूला वाइज समझते हो तो इट इज़ लाइक दिस एल्सियम राइट डाउन द टू नंबर्स वट आई हैव टू डू इन द वर्किंग प्रोसेस आई हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स ईच प्राइम फैक्टर का मतलब है कि आपको कॉमन अनकॉमन दोनों ही इन्वॉल्व करने हैं इनके अंदर सो वॉट विच हैव डन लाइक दिस थर्टीन इंटू सेवन इंटू टू वन एटी टू इज योर आंसर राइट सो दिस वॉज यूर फर्स्ट पार्ट नॉन लेट एस कम टू द सेकेंड पार्ट इज़ फाइव वन जीरो एंड नाइन्टी टू अच्छा इसमें अभी एक और फाइन करना था आपको वेरीफाई भी करना था वेरीफाई एट एल सी एम इंटू एच सी एफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो ये हमने एच सी एफ हमारा एक आंसर तो ये आ गया थर्टीन एल सी एम आ गया वन एटी टू अब आप वेरीफिकेशन पार्ट देखिए आपका ये फॉर्मूला होता है ये आपको लर्न करना है चिल्ड्रन एल सी इंटू एच सी एफ आप देखिए यहाँ पर एलसीएम सी इंटू एच सी आपने सॉल्व करा एलसीएम हमारा आया था एटीन एच सी एफ हमारा आया था थर्टीन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए यू गेट टू थ्री सिक्स सिक्स

अब तो आपने क्या करना अगेन मेक द फैक्टर्स ऑफ फाइव वन जीरो तो ये आपके फैक्टर्स आ रहे हैं थ्री टू फाइव सेवनटीन अब क्योंकि इनमें कोई पावर नहीं है तो आई कैन फ्रॉम माई साइड आई कैन राइट डाउन देयर पावर एज वन 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 राइट बिकॉज थ्री टू पावर वन अगेन गिव्स यू थ्री टू टू पावर वन अगेन गिव्स यू टू लाइक दैट ना नाइन्टी टू पे आ जाइए आप नाइन्टी टू के फैक्टर्स बनाए हमने टू इंटू टू इंटू ट्वेंटी थ्री अब ये टू इंटू टू दो बार आ रहा है तो आई राइट इट डाउन एज टू टू द पावर टू और ट्वेंटी थ्री का कोई हम इसको पावर एज अ वन करके भी शो कर सकते हैं अब मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया एच सी एफ निकालने के लिए अब ये दोनों नंबर्स यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर एच स एफ में हमको क्या होता है चिल्ड्रन ये जितने भी फैक्टर्स आपको फर्स्ट नंबर में दिख रहे हैं और जो सेकंड नंबर में दिख रहे हैं उनमें जो कॉमन बेस देखिए कौन सी है टू इज अ कॉमन बेस सिर्फ एक ही बेस कॉमन आपको दिखाई दे रही है जो है टू 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 तो द पावर वन टू टू तो द पावर टू राइट सो वो कॉमन वाला बेस हमने पहले सबसे पहले लिख देना है राइट right? ये लिखने के बाद अब इसमें में पावर कौन सी लगानी होती है जो दोनों में से जो स्मॉलर वाली पावर है इसमें देखिए पावर इज इस वन इसमें पावर है टू तो स्मॉलर वाला पावर कौन सा है वन है तो मेरे को यहाँ पे स्मॉलर वाला पावर लगा देना है सो आई राइट डाउन एज टू टू द पावर वन विच गिव्स यू टू एज योर आंसर दिस इज योर एल्सियम नाउ कम टू द एल्शियम ऑफ टू नंबर्स फाइव वन जीरो नाइनटी टू तो एल्शियम के लिए मैंने आपको क्या मैथड बताया जितने भी आप ये बेसिस देख रहे हैं चाहे वो कॉमन हो चाहे वो अनकॉमन हो उनको एक एक बार लिखना है अब आप चेक कीजिए यहाँ पर आप देखिए थ्री जो है इस पाले इनके फैक्टर्स में आ रहा है फाइव वन जीरो के थ्री यहाँ नहीं आ रहा तो यानी कि थ्री एक जो हो गया अनकॉमन वाला आ गया तो मैंने अनकॉमन को एक बार लिख दिया ठीक है अब आप आइए कॉमन uh, वाले पे ये ये टू है और ये टू ये भी कॉमन है आपके बेसिस तो इसको भी मैंने एक बार लिख दिया कॉमन वाले को अब फाइव वालों को देखिए यहाँ पर फाइव है इसमें फाइव नहीं है तो अनकॉमन वाले को मैंने एक बार लिख दिया फाइव लिखा यहाँ पर सेवनटीन है यहाँ दूसरे वाले में सेवनटीन नहीं है तो अनकॉमन है सेवनटीन तो सेवनटीन को भी हमने एक बार लिख देना है राइट आप बचा ट्वेंटी थ्री इसमें ट्वेंटी थ्री है इसमें ट्वेंटी थ्री नहीं है तो इसको भी हमने एक बार लिखना है तो ये सारे बेसिस मैंने एक बार लिख दिए क्या देख के लिखे हैं कॉमन बेसिस भी लिख दिए अनकॉमन बेसिस भी लिख दिए और इन्हें एक एक बार लिखना है अब बचा इनका पावर्स लगाने का मैथड पावर्स हमने क्या करना है जो जो बड़ी वाली पावर है जो ग्रेटर वाली पावर है वो लगानी है अब आप देखें यहाँ पर जो थ्री है ये इसी में था इसमें नहीं था तो ग्रेटर हो चाहे स्मॉलर हो तो मैं वन ही लगाऊंगी इसमें तो मैंने यहाँ पे वन लगा दिया ना कम टू द बेस टू यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो बेस टू था पावर वन था इसमें पावर जो था वो टू था तो मेरे को ग्रेटर वाला पावर लगाना है कौन सा ग्रेटर वन है कि टू टू ग्रेटर है तो आई विल राइट ऑन टू पावर एज टू ना कम टू द दिस फाइव फाइव इसमें था इसमें नहीं है अनकॉमन वाला बेस है ये तो यहाँ पर जो भी पावर आपको यहाँ पे दिख रहा है वही सेम पावर आप यहाँ लगा देंगे वन राइट right? सेवनटीन जो है इस वाले फैक्ट इसमें फाइव वन जीरो वाले फैक्टर में आ रहा था नाइन्टी टू में नहीं था तो जो भी आपको पावर यहाँ पर दिख रहा है वही सेम आपने यहाँ लगा देना है वन ठीक है अब ट्वेंटी थ्री वॉज अनकॉमन वाला बेस है तो अनकॉमन जो भी इसमें पावर दिख रहा है अनकॉमन में वही सेम टू सेम आपने लगा देना तो वन था तो मैंने यहाँ पर वन लगा दिया उसके बाद यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स ये तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं इन द एंड यू विल गेट योर आंसर एज टू थ्री फोर सिक्स जीरो राइट right? अब बचा वेरीफाई करने वाला पार्ट आपको क्या वेरीफाई करना है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला इसको आप लर्न कर लीजिएगा एल्शियम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इसी फॉर्मुला को आपने वेरीफाई करना है मींस आई हैव टू पुट दिस वैल्यूज ऑफ एल्सियम एफ सी एफ एंड टू शो दैट दिस इक्वालिटी इज ट्रू तो अब एल्शियम इंटू एच सफ एल्शियम का वैल्यू हमने कितना निकाला था टू थ्री फोर सिक्स जीरो आप लगा दीजिए बस सब्सिट्यूशन कर दीजिए एच सी एफ हमने कितना निकाला था टू तो एच सी एफ की जगह आप टू सब्सिट्यूट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस वॉट एवर टू नंबर्स वर गिवन टू इन द क्वेश्चन फाइव वन जीरो एंड नाइनटी टू बस दोनों का प्रोडक्ट कीजिए अब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते जाइए और राइट right साइड के दोनों नंबर्स को राइट right साइड में मल्टीप्लाई करके यू राइट इट डाउन सो वट यू गेट द बोथ आर सेम सी फोर सिक्स नाइन टू जीरो इक्वल्स टू फोर सिक्स नाइन टू जीरो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट सो जब ये ट्रू आ गया तो वी से दैट हैंड इट इज़ वेरीफाइड राइट नाउ कम टू द थर्ड पार्ट द थर्ड पार्ट इज थ्री थ्री सिक्स एंड फिफ्टी फोर अगे यू हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ थ्री थ्री सिक्स यू विल गेट इट एज थ्री इंटू टू इंटू सेवन अब थ्री को आई विल राइट डाउन इन द टर्म्स ऑफ पावर आई विल राइड आउन वन सिमिलरली सेवन को पावर लगाने के लिए आई वाइट डाउन वन टू का ऑलरेडी हमारे पास पावर है तो देर इज नॉट नीड टू डू एनी थिंग इन दिस ये टू टू द पावर फोर की तरह ही रहेगा फिफ्टी फोर के अगेन यू मेक द फैक्टर्स यू विल गेट थ्री इंटू टू थ्री का पावर आपको थ्री बेसिस आपको थ्री और टू मिल रहे और यह पावर आपको थ्री मिलेगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंट टू आपको मिलेंगे इसके फैक्टर्स जिसको हमने पावर पावर किट हम एक्सप्रेस करना है तो टू का हम पावर वन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना अगेन कम टू द एच सी एफ अब एथ सी एफ के लिए मैंने आपको क्या बताया ये दो नंबर्स आपने यहाँ लिखे ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है ये बेसिस देखिए यहाँ पर बेसिस आपको क्या मिल रहा है थ्री टू सेवन अभी पावर्स को भूल जाइए सिर्फ बेसिस पे फोकस कीजिए थ्री टू सेवन और यहाँ पर है बेसिस थ्री एंड टू तो आपको यहाँ पर कॉमन बेस कौन सा दिखाई दे रहा चिल्ड्रन थ्री और टू तो जो भी कॉमन बेसिस दिखाई दे रहा है उसको हमने पहले लिख देना थ्री इंटू टू हमने पहले लिख दिया अब बचा पावर का काम पावर हमने कौन सी बिल्ली लगानी है जो आपको लोअर वाली पावर मिल रही है जैसे आप देखिए ये जो थ्री और थ्री यहाँ पे कॉमन थे इनमें से लोअर पावर कौन कौन सी है वन की थ्री थ्री वन इज द लोअर पावर तो हमने यहाँ पे पावर को वन लगा देनी है ठीक है सिमिलरली टू को आपने जब लिखा अब इन दोनों टू को देखिए दोनों बेसिस को देखिए इनकी पावर्स को कंपेयर कीजिए ये फोर है ये वन है दोनों में से स्मॉलर वाली पावर कौन सी है वन है तो मेरे को यहाँ पे भी स्मॉलर वाली पावर लगा देनी है वन सो दिस विल बिकम थ्री into 2 which gives you answer as 6 right ना एल्शियम पे आ जाइए अगेन राइट ऑन द टू नंबर्स हुज एल्सियम यू आर फाइंडिंग आउट अब एल्शियम मेथड के लिए व्हाट यू हैव टू डू ये जितने भी बेसिस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें और इसमें यू हैव टू टेक आउट ऑल द कॉमन एज वेल एज अनकॉमन बेसिस को आपने एक एक बार लिखना है अब आप देखिए ये कॉमन बेस है थ्री थ्री तो मैंने थ्री को एक बार लिखा अभी आप पावर का काम हम बार में बताएंगे अभी सिर्फ आप बेसिस पर फोकस कीजिए थ्री थ्री हमने एक बार लिखा अब टू भी कॉमन है टू को भी हमने एक बार लिखा इंटू टू करके अब सेवन जो है अनकॉमन है बिकॉज सेवन आपको यहाँ मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है तो एक बार हमने सेवन लिखा अब बचा पावर का काम पावर हमने कैसे लगाना होता है ये जो दोनों हमने लिखे हैं ये पावर थ्री के जो बेसिस है इनमें से जो ग्रेटर वाला पावर है वो कौन सा है वन और एक का वन है दूसरे में थ्री है तो ग्रेटर वाला हो गया थ्री तो मेरे को यहाँ पर पावर लगा देना है थ्री राइट अब जो टू वाला बेस है उसमें पावर कौन सा लगेगा यहां पर आप देखिए इसमें ग्रेट फोर है पावर फोर है और दूसरे वाले नंबर में पावर इज वन तो आपने देखिए कौन सा वाला ग्रेटर है वन पावर ग्रेटर है कि फोर वाला ग्रेटर है फोर वाला ग्रेटर है तो आई विल राइट डाउन पावर एज फोर राइट अब आ जाइए सेवन पा सेवन वाला अनकॉमन फैक्टर था तो अनकॉमन फैक्टर में तो जो पावर आपको एज इट इज दिखाई दे रही है उसको एज इट इज आप लगा दीजिए वन है तो हमने यहाँ पे वन लगा दीजिए लगा दिया तो आप समझ समझ गए एल्शियम का मैथड में क्या करना होता है आपको सारे सबसे पहले बेसिस लिखने होते हैं कॉमन वाले भी अनकॉमन वाले भी और पावर्स

एंड जस्ट मल्टीप्लाई एच सेफ हमने कितना निकाला चिल्ड्रन सिक्स निकाला तो एच सी एफ में यू सब्सिट्यूट सिक्स एल सी एम हमने थ्री जीरो टू फोर सब्सिट्यूट कर दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो प्रोडक्ट आपको जो दो नंबर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं उनका बस प्रोडक्ट आप लिख दीजिए राइट साइड में नाउ सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू नंबर सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू नंबर वट यू सी योर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड ये आपका ट्रू स्टेटमेंट आ गया तो वैसे जब ये ट्रू आ गया तो यू से हैंड दिस इज़ वेरीफाइड आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन बाय बाय